तुम लोग कर क्या रहे हो? कंपनी पिछले 6 माह से नुकसान में जा रही और ये प्रोजेक्ट भी कैंसल हो गया। सॉरी सर, ये प्रोजेक्ट मिस निदा ने डिजाइन किया था। मैं नहीं जानता कि किसने डिजाइन किया था। अगर अब कोई गलती हुई तो तुम सब इस कंपनी से खुद को फारिग समझना। जी सर। जाओ अब, बाहर इंटरव्यू के लिए लड़कियां आई हैं, एक एक करके अंदर भेजो सब। यस सर। वालेकुम सलाम। आपका रिकॉर्ड तो बहुत शानदार है। इंटर फर्स्ट क्लास, बीए फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। थैंक्स सर। पहले कभी जॉब की है? नो सर। ओके, आप इस जॉब को हासिल करने के लिए क्या कर सकती हैं? सर, मैं मेहनत और लगन से काम करूंगी, टाइम की पाबंदी का ख्याल रखूंगी। एक मिनट, ये तो अब तब करोगी जब आपको जॉब मिलेगी ना? जी सर। मेरा कहने का मकसद है कि आप इस जॉब के लिए क्या कर सकती हो। मैं आपकी बात नहीं समझी सर। मेरा मकसद है तुम ऑफिस के काम के अलावा और क्या कर सकती हो कि मैं तुम्हें इस जॉब के लिए फेवर करूं? सर, ऑफिस के काम के अलावा मैं और क्या कर सकती हूं? दरअसल हमारी कंपनी के बहुत से पुराने कस्टमर हैं, उनकी वजह से हमारी कंपनी को बहुत फायदा होता है। हम उनके लिए कुछ प्रोग्राम अरेंज करते हैं। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? प्रोग्राम्स मतलब सर? प्रोग्राम मतलब डांस पार्टी वगैरह। तो क्या वो प्रोग्राम्स भी मुझे अरेंज करने होंगे सर? अरे नहीं नहीं, अरेंज करने के लिए और लोग हैं, तुम्हें सिर्फ उन पार्टीज में आना होगा। आखिर क्लाइंट्स को खुश भी तो करना होता है। खुश मतलब सर? मतलब उनके साथ सिर्फ डांस वगैरह करना, उनके साथ ड्रिंक वगैरह करना, उनके करीब रहना, कंपनी वगैरह देना। सॉरी सर, मैं ये नहीं कर सकती। सोच लो, जितनी तनख्वाह हमारी कंपनी देती है इतनी तनख्वाह तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी। सॉरी सर। तुम्हारी मर्जी है। वैसे अगर तुम्हारा इस कंपनी में जॉब करने का मूड हो तो तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हैं। नहीं सर, मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ, अपनी इज्जत का सौदा करने नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? दलाल समझा है तुमने मुझे? ये बिजनेस क्लास है, ये पार्टीज वगैरह तो आम सी चीज है, बिजनेस में ये सब चलता है। पर मैं मिडिल क्लास की हूँ सर, तालीम हासिल की है बाइज्जत नौकरी करने के लिए, ना कि खुद को बेचने के लिए। ओके, तुम जा सकती हो। जी सर, जाओ दूसरी लड़की को भेजो। ओके सर। प्लीज सिट डाउन। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? सर, मैंने मैट्रिक किया अभी। आपने न्यूज़पेपर में ठीक से पढ़ा था? जी सर। हमने तो बीए पास के लिए लिखा था। जी सर, मैंने पढ़ा था। फिर भी आप इंटरव्यू देने के लिए आई? जी सर, क्योंकि मुझे यकीन है कि ये जॉब मुझे मिल जाएगी। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि मुझे अपने आप पर इत्मीनान है। तो आप हमारी कंपनी में जॉब करना चाहती? जी हाँ। देखिए, हमारी कंपनी में जॉब एक है और कैंडिडेट बहुत हैं, और आप जानती हैं कि हमारी कंपनी बहुत अच्छी पेमेंट देती है। जी सर। बहुत सी लड़कियों का इंटरव्यू हो चुका है जो इस जॉब को पाना चाहती है। जी सर। आपकी तो तालीम भी मैट्रिक है, जबकि हमने इस जॉब के लिए बीए पास के लिए ऐड दिया था। जी हाँ, मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में। फिर भी आप इंटरव्यू देने के लिए आई हैं? मुझे यकीन है कि मैं ये जॉब हासिल कर लूंगी। अच्छा। जी सर। तो आप इस जॉब को पाने के लिए क्या कर सकती?
मैं समझी नहीं सर। मेरा कहने का मकसद है कि ऑफिस का काम जो है वो तो बहुत आसान है, कोई भी लड़की वो काम कर सकती है। आप उस काम के अलावा एक्स्ट्रा क्या कर सकती हैं जिसकी वजह से हम आपको ये जॉब दें? एक्स्ट्रा काम मतलब? देखो ना, आजकल का जमाना गिव एंड टेक पे चलता है। अगर आप मुझे एक्स्ट्रा फेवर दोगी तो मैं भी फेवर करूंगा। आप समझ रही हो ना मेरी बात? सर आप खुल के बात करें ना, ये जॉब देने के लिए आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बन के इस ऑफिस में जॉब करो। सर आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? हाँ हाँ, नहीं तो ये सवाल करके तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? तभी तो आप इतना घुमा फिरा के बात कर रहे हो। सर आप क्लियर बात करें ना, आपकी पर्सनल असिस्टेंट बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जितनी खूबसूरत हो इतनी अकलमंद भी हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जॉब हासिल करने के लिए तुम्हें इस कंपनी से ज्यादा मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बन के रहना पड़ेगा। ओके, और क्या करना होगा? और पार्टीज में अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो। ओके सर, समझ गई। गुड। वैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? सर आपको तो पता है महंगाई कितनी हो गई है, खर्चा पूरा करने के लिए बॉयफ्रेंड तो रखना पड़ता है। हाँ ये तो है। वैसे आप मेरी केयर करेंगे तो मुझे किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड आजकल मेरा खर्चा अफोर्ड नहीं कर रहा, और आपके होते हुए मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं हूँ ना। ओके सर, मैं आज इससे जान छुड़ा लूंगी। वैसे भी मेरी ख्वाहिश थी कोई मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा हो जो मेरी केयर करे, मुझे प्यार दे और गुड लुकिंग हो, बिल्कुल जैसे आप हैं सर। थैंक यू, थैंक यू। वैसे मैं आपको जान कह सकती हूँ सर? जी 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 जी, जान। ओ सॉरी, अगर आपको बुरा लगा तो सर। अरे इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है, जान जाने मन जानू, जो दिल करे बोला करो। वैसे भी अब मैं और मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। आई थिंक जान अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी जान भी तुम्हारी है। जान? जी मेरी जान। तो जान मैं ये जॉब पक्की समझूं ना? अरे तुम जॉब की बात करती हो, आज के बाद खुद को तुम इस कंपनी की मालकन समझो। थैंक यू जान, अब मैं जाऊं? मेरा दिल तो चाहता है कि तुम आज से ही ऑफिस ज्वाइन करो। दिल तो मेरा भी यही चाहता है, लेकिन। लेकिन क्या? वो दरअसल मेरे पास ड्रेसिंग शूज इस क्लास के नहीं है। अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड होके आम सी ड्रेस पहन के ऑफिस तो नहीं आ सकती ना? अरे मैं हूँ ना। ये लो, कल मॉडर्न ड्रेस पहन के आना। इस कलर की क्या जरूरत थी जान? ऐसा बोल के मेरा दिल तो ना तोड़े। अच्छा आपका दिल रखने के लिए रख लेती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। ओके बाय। ओके बाय। जहाँ मेरिट ना हो लोगों को उनके हकूक ना मिले, उस माशरे में यही होता है जो हम अपने चारों तरफ हर रोज देखते हैं। Thank you.